भाई अगर किसी ने बद्दुआ दी हो तो इस जगह ज़रूर आना, बिकॉज यहाँ वो लोग नहीं आ सकते हैं ये जो गट्स नहीं रखते हैं। ट्रैकिंग इमन ने पाई ना इतनी मन पास नहीं ये और यून किया। बहरहाल फंस गया तो तड़पना क्या था, बुशुस तेमिस दोस्त वो हुआ जिस दोस्त ने मुझे बोला था कि यहाँ आ जा खासा मुसीबत लाइक जुद हो गए रूदी होते हैं, बट आना है जायका लेना है पोलियो को पोलियो। This is spare. समझे बच्चू, इसे हम बालू को मारते हैं। एक बालू वो बैठा है वहाँ पे। This is spare. समझे बच्चू, इसे हम बालू को मारते हैं। एक बालू वो बैठा है वहाँ पे। I've killed. I'm gonna kill with this iron spear the bears of Gangbal. तो भाई सिंपल सी बात है, जो गंगबल लेक है एक्सेस जब आप करते हैं श्रीनगर से 45 किलोमीटर का रास्ता है, उसके बाद आपको 15 किलोमीटर का ट्रैक करना है वो भी नारा नाग से। तो हम ऑलरेडी इस ट्रैकिंग रूट पे जो ऐसा कि आप देख रहे हैं जंगल बहुत ज़बरदस्त है, आपको मिलेंगे गुजर शेफर्ड जिन्हें कहा जाता है। अगर वो ट्रैक के दौरान आपका सामान वामा तो उठा लेंगे वो, उनके अपने कारवां काफिले होते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप्स गोट्स वोट्स हमारा गेम हो जाएगा। मगर बाइनन बेनन बायन वन आपको ट्रैकिंग का सारा सामान होना चाहिए, डंडा वंडा स्टिक, ये जो आयरन स्पेयर मेरे पास है, स्पेयर नहीं है ये एक स्टिक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ चलने के लिए, बिकॉज रास्ता देखो ना अपर लेग दाब तो बोन आ जानता मैं सुधे ये रास्ता बहुत स्लिपरी है, अगर बारिश पड़ेगी तो यहाँ गंगबल नहीं आना है क्योंकि गेम हो जाएगा मतलब। तो उसके बाद और एक ट्रैक आता है जो 25 किलोमीटर लंबा है उस लेक से, गंगबल लेक से जो सनमुख से होता हुआ विशनसर लेक की तरफ बढ़ता है, लेकिन भाई उधर तीन पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे, निंचाय पास, गदर पास, जजीबल पास, हम उस पास में नहीं जाएंगे, हम फिलहाल यहीं ठीक है, हम ये वाला जंगल क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं बिकॉज नहीं तो हमारा गेम हो जाएगा। मगर बाइनन बेनन बायन वन आपको ट्रैकिंग का सारा सामान होना चाहिए, डंडा वंडा स्टिक, ये जो आयरन स्पेयर मेरे पास है, स्पेयर नहीं है ये एक्सप्ली हो जाएगा। वो बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं बट बहुत केयरफुली यहाँ पर ट्रैक करना पड़ता है। और ये ज़बरदस्त जगह जो है आगे एक जंगल मिलता है जो जला हुआ है, आई थिंक शनाबत क्षेत्र क्लाउड बर्स्ट हुआ या थंडर बर्स्ट वट एवर जिसे कहें लाइटनिंग की वजह से ये पूरा एरिया ही जल गया। आपको लगेगा बहुत सारे पेड़, अगर आप जब यहाँ पहुँचोगे लगेगा नहीं ट्रैक करो, यहाँ तक तो एक दो घंटा हो गया होता है। ये देखिए इसी जंगल को इसी ट्रैक रूट को हम क्रॉस करके आगे बढ़ रहे थे पाकांशस, बट ये देखो हमने कुछ गुजर भाइयों से बोला था कि हमारा कुछ सामान है उनको पेमेंट दी वो आपको ले जाएंगे ऊपर तक, मगर यहाँ बार्गेन जरूरी कर रहा है नहीं तो आपका जेब गया ठीक है। तो भाई उसके बाद पाकांशस ब्रोट को इंसान बुरा हालत गमत बुटस पत्थर पत्थर क्या है उसमें बेहन जरूरी क्या मेरी हालत ख़राब। फाइनली कुर मैं डिसाइड कि मैं मुझे यहाँ बैठना है थोड़ी देर मेरी ये तन आराम करूँगी। तो ये पूछा छो ना ये वीडियो जब आप ये कोर्स देख रहे हैं आगे पीछे ये हरियाली देख रहे हैं आपको समझ आ जाएगा जो रफ कोर्स है वो छोटा सा रास्ता पत्थर वाला रास्ता जो पोलियो कर देता है टांगू को और जिसके पास अच्छे जूते नहीं वो तो गया काम से तेम इस पास वापस गया सुनिश बट। तो यहाँ से थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है बिकॉज यहाँ से ग्रीन मीडो वाला एरिया आता है जो क्रॉस करना है। हाँ भाई क्रॉस छू करूँ तो क्या यमो पागल होनस बहुत पानस सत मे ना पाई गंगबल यूथ मे उस फ्रेंड एक फ्रेंड ने बोला गंगबल तो अमेजिंग जगह है। तो ये अमेजिंग जगह उनके लिए है जो यहाँ आना चाहते हैं ट्रैक करना चाहते हैं। आप तैयारी कर लें जो पहली बार ट्रैक करने आएंगे ज़िंदगी में, भाई यहाँ पे आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे। कोई भी बंदा अगर बोलेगा कि इस जगह पहुँचने के लिए आपको 2 घंटे में ट्रैक करोगे तो नहीं हो सकता है, आप दवाइयाँ वाइया साथ रखो बीमार हो जाओगे भाई 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे नॉर्मली जो पहली बार ट्रैक करने जाएगा। फिलहाल इस रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए बिकॉज शांति वाला रास्ता, अब एक मीडो फील्ड आता है जो ये वाला है, यहाँ के बाद 1 घंटा हो गया फिर हम फाइनली गंगबल के मेन रूट में पहुँच गए थे। सबसे पहली चीज़ जो हमें एक लेक मिलेगी नंदकुल लेक जिसे कहा जाता है, सॉरी लेक विछूते ब्रोटकुन युद्ध अवसर गुमत भाया बाबा का चूरन खा खा के यहाँ तक पहुँचे थे हम, क्या मानो बोते कम तेवीज लगे और बात न। तो ये है हालत
रूद जो उसमें त्यूत पेवा के बन हो गया, रुद बलाय। पहले तो हम दो दिन टेंट में ही थे बिकॉज हम रो रहे थे और मैं उसको रो रहा था, साले तूने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? जो मेरा कज़न है बहरू उसने बोला नहीं जा यहाँ एक्सपीरियंस करेगा, बट यहाँ अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ टेंट में जब बारिश होती है, जब रात भर दो दो दिन आपको पता चलेगा आपका सारा एक्सपेडिशन ख़राब हो गया, बट 5 मिनट गंगबल में अच्छा मौसम हो वही काफ़ी है। ये अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। टेंट से बाहर निकल के हम देख रहे थे हम कहाँ फंस गए, हम क्यों इसलिए आए थे हम यहाँ, बट अल्लाह ताला शो सो रे जाना। बट फाइनली बारिश एक पॉइंट पे थम गई। तो भाई ये है नुंदकुल लेक जो पहली वाली लेक है, यहाँ पर भी आप टेंट लगा सकते हैं बट मेहरबानी करके गंदा ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने बहुत कश्मीरी भाई बहनों को देखा सारी गंदगी वहीं छोड़ देते हैं। ये रहा, अभी बारिश ख़त्म हुई है, हमारा दूसरा दिन था। पहली रात तो हमारी हो गई थी बारिश में, दूसरे दिन की भी हालत थी। शाम की बजे 6 बज रहे हैं, एनविंग के शुभ पूछा तो शुभ मैं पूछा, शाम के 6 बजे ये हाल है। ये लेक का एक अलग ही नज़ारा है, बड़ा खूबसूरत लेक है ये। इसके गंगबल में बहुत सारी लेक्स आती हैं, ये है नुंदकुल लेक। नाउ अगर मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा क्या आप ये समझ सकते हैं कि इस लेक की अलग ही फीलिंग है। बट अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, मौसम आप देख ही रहे हैं। बट फाइनली हम सोच रहे थे थोड़ा सा टाइम तो मिले हम ताकि बाकी जगहों का भी मुआयना कर सकें, क्योंकि टेंट्स वेंट्स हमारे लगे थे। अब हमने सोचा चलो मंदमो बेकी जाए थे नज़र। तो प्रॉब्लम ये थी कि आप देख सकते हैं आप नुंदकुल लेक साइड से, ये लेक भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़िया। हम दूसरे हम तो पहाड़ पे ट्रैक कर रहे थे, आगे पीछे बहुत पथरीला रास्ता है और जहाँ से ये हर मुख के पहाड़ को पानी निकलता है वहाँ पर भी हम पहुँचे, बिकॉज यहाँ चढ़ना बहुत ईजी नहीं है। ये रॉकी है, इट्स कम्प्लीटली स्टोनी एरिया। देखिए यहाँ पर छो वसा इशू, ये बहुत ऊपर हम आ गए हैं, यहाँ ईजी आना नहीं है, बट ये उस कारण। चलो भाई अब ऊपर वाली लेक देखते हैं जो मेन गंगबल की लेक है, अब उधर चलते हैं, उसके नज़ारे कुछ अलग ही हैं। तो रोड को तो भाई तो अभी वापस मेरे बैकग्राउंड में जो लेक है यही है गंगबल की लेक, जो बड़ी वाली लेक है, बट यह जो खतरनाक खौफनाक लेक है। खूबसूरत के साथ साथ इधर जब आप बैठते हो ना आराम से एक थरथराहट है, आहट है जैसे इस लेक में। तो मतलब मैं तो अभी क्या बोलूं, बट एक ही अलग ही मज़े हैं बिकॉज इस लेक को हम जो ये वाला एरिया यहाँ पर नुंदकुल लेक है पीछे और ये आगे वाली लेक है, बट हमने जो टेंट्स लगाए थे नुंदकुल में लगाए थे। बट भाई ये अलग ही फीलिंग, एक कश्मीरी को आना चाहिए, बट खासकर जो लोग ट्रैकिंग नहीं जानते वो ना आए, इजी नहीं है। मेरी तरफ से सलाम उनके लिए, तिमकन गैरबीर पोलियो का छोपा था और बाकी क्या है एंजॉयमेंट। तो फिर हुई थी धूप, धूप में हमने यही किया कि भाई कूदे मस्ती की। बाबा जी का चूरन काम याद आ गया भाई, उस चूरन ने ऐसा काम कर दिया कि वी वर फुल ऑफ एनर्जी, कोई चूरन नहीं खाया था, चुपचाप यहाँ आ गए। फिर ये एक्सपीरियंसेस लेके, ये बारिशें, ये गंदा मौसम और ये थोड़ी सी धूप और ये मई चीज़ है, तो वे थे वापस पाता से रहता जांगा नैरियन हाइलैंड दाग ऐसे।